महल मना रे लाख बना ले महल मना रे लाख बना ले दिल न बसा तो क्या इश्क ता बंदे आ पढ़ ले बल्ला इश्क खुदा तेरा सब कुछ है यही रह जाना जिद बना दे जीद करा दे यार मेरा साया नांझण मेरा माही मेरा ढोल मेरा साया। तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, बहुत जल्द रिएक्शन आएगा। अगर कल तक तूने मुझे अदील का पता ना बताया तो कल तेरी बीवी भी तेरे साथ होगी। आपने जो नुकसान उठाया है, जो तकलीफें सही हैं, उसका बदला तो नहीं चुका सकती। जब कभी भी मौका मिला तो आपको इतनी खुशियां दूंगी कि आप अपने सारे गम भूल जाएंगे। अगर आप में थोड़ा सा भी दम बाकी होता तो बात इतनी खराब ना होती। क्या बात है खान जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। ये सब क्या हो रहा है? सर ये गहरी साजिश है। ये बशीर जो है ये मुलाजिम है मैडम का और उस कोठी का इंचार्ज भी था जिसमें हाशिम खान अपनी बेटी और बीवी के साथ रहा करता था और बाद में कत्ल कर दिया गया। और इस सारी बात का विटनेस बशीर था सर। ये सारी कहानी सुनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? सर मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि बशीर इस सारे प्लॉट का आई विटनेस था, इसीलिए उसे गायब किया गया था। एएसपी साहब, जो लोग हाशिम खान का मर्डर कर सकते थे वो बशीर को भी मरवा सकते थे। 18-20 साल तक पालने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो बशीर के जरिए इस प्लान के मास्टरमाइंड को ब्लैकमेल करना चाहते थे सर। कौन था इस प्लान का मास्टरमाइंड? मैडम ज़ीबुन्निसा। मिस्टर हमायूं, आर यू मैड? लगता है होश में नहीं, या तो आप पागल हैं या फिर मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैडम ज़ीबुन्निसा अपने इकलौते बेटे के कत्ल का प्लान बनाएगी, ये सोचा भी कैसे आपने? सर कैन आई एक्सप्लेन यू? बोलो। मैडम का प्लान असल में अपने बेटे हाशिम खान को मारना नहीं था। उनका प्लान था अपनी बहू और पोती को रस्ते से हटाने का। एन वक्त पे वो सारा प्लान चेंज हो गया और गलती से हाशिम खान उस गाड़ी में बैठ गया जिसका आगे जाके हादसा हुआ, वो मारा गया। और इसी बात का गवाह बशीर खान है। और वलीद ये जानता था कि बशीर खान उसके लिए खतरा है, लिहाजा उसने उसको किडनैप करके एक जगह पर रखा। और इंफॉर्मेशन मिलने पर जब अपने वहां रेड की सर, तो पता चला कि वो जगह वलीद खान की है। पूरी जिंदगी वलीद खान अपनी पुप्पी को ब्लैकमेल कर करके उनसे माली फायदा उठाता रहा सर। इसमें हमायूं आपकी सारी बातें मफरूजों पे मुश्तमिल हैं। आपकी ये सारी कहानी आपकी कोताहियों और गैर जिम्मेदारी की सजा से नहीं बचा सकती आपको। आपने बशीर को बाजियाब कराया ओके, लेकिन किसी के खिलाफ अगवा और हब से भेजा की एफआईआर नहीं काटे, सिर्फ रोजनामचे में इंदराज किया। सर
डॉक्टर ने कहा था कि वो बशीर नॉर्मल नहीं है, वो जैसे ठीक होता मैं उसका स्टेटमेंट लेता, लेकिन बहरहाल आपने जो बातें भी करनी है, जो वजाहतें देनी है, जो भी जस्टिफिकेशंस हैं आपकी, इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश कीजिएगा। सर मेरी बात सुनिए, बशीर की मौत की इंक्वायरी मुकम्मल होने और उसकी रिपोर्ट आने तक फैसला किया गया कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए। सर आई एम सॉरी मिस्टर हमायूं, ये मेरा नहीं आईजी साहब का फैसला, आई कांट हेल्प। यू मे गो नाउ। ज़ैबुन्निसा के बारे में तुम्हारे दादू मुजफ्फर खान से बहुत कुछ सुन रखा था हमने। वो ज़ैबुन्निसा से बहुत मोहब्बत करते थे और शदीद नफरत भी। तुम्हारे दादू ज़ैबुन्निसा के हुस्न पर फरीफ्ता थे, मगर ज़ैबुन्निसा वो किसी और से मोहब्बत करती थी। मुजफ्फर खान ने जबरदस्ती उनसे शादी कर ली और उनके महबूब पर जमीन तंग कर दी। आखिरकार उन्हें मुजफ्फरनगर छोड़कर जाना पड़ा। शायद ज़ैबुन्निसा किसी बात का बदला ले रही है। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? वो मुझे क्यों सजा दे रही है? तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को उनकी बगावत पर दी गई है। ज़ैबुन्निसा को उसकी मोहब्बत ना मिल सकी, शायद इसी बात का इंतकाम वो सबसे ले रही है। पता नहीं अम्मा जाने का इंतकाम कब पूरा होगा, कब हम सुख के दिन देखेंगे। अरे बेटा, ऊपर वाले के हाथ देर है अंधेर नहीं। मालिक ने चाहा ना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। आओ बैठो। मानूर, मानूर तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से नीचे तलाश कर रहा था। क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? और मेरे लिए? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खबर क्या हो सकती है? क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं? जो बात है बताइए। नहीं नहीं फिर भी बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे आपकी सूरत में मिली है। अब आप किस खुशी की बात कर रहे हैं? भानूर तुम्हारी मामा का पता चल गया। आप सच कह रहे हैं दिल? कहाँ है मामा, कहाँ मिली, किसने कहा है आपको? वो आज ही मेरी अम्मी और बाबा से मिली है, मुझे अभी अभी बाबा ने फोन पे बताया। अदील आप मुझे प्लीज मामा के पास ले जाए, ये आपका मुझ पर आखिरी एहसान होगा। कैसी बातें कर रही हो, इसमें एहसान की क्या बात है? तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। ज़ैबुन्निसा और वलीद खान के आदमी कुत्तों की तरह तुम दोनों को तलाश कर रहे हैं और पुलिस भी तुम्हारी तलाश में। लेकिन हमें एक ना एक दिन तो वापस जाना ही है, हम सारी जिंदगी आप पर बोझ बनकर तो नहीं बैठे रह सकते। अरे बोझ कैसा, इस तरह से तो हमें मुजफ्फर खान के एहसान चुकाने का मौका मिल रहा है। तुम इत्मीनान रखो, जैसे ही हालात साजगार होंगे हम खुद आपको लेकर चलेंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। Oh.
सरकार का बुलावा आ गया। आ गया तू, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आजा, बंद कर अपने ये नाटक। नाटक? नाटक बंद हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ज्यादा फलसफे मत झाड़। झूठे बहरूपी दगाबाज और झूठ बोलता है, घर से भागी हुई लड़की को इधर पनाह देता है। बता काय मानूर, काय मानूर और काय अदीर? अल्लाह, इतनी बड़ी जमीन है, तुझे क्या पता कहाँ है? सीधी तरह बता दे, वरना तेरी एक भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। हड्डियों में अब रखा है क्या है? जिस्म क्या है इसमें? सब कुछ हक है ऊपर वाले का, मगर तू एक बार याद रख, तू मलिका है, मलिका, और तू जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा। तेरा उसका कोई जोर नहीं है, वो तेरे नसीबों में नहीं है। तो फिर कर दूं तेरा खेल खत्म? आज मेरा खेल खत्म करेगा तो कल तेरा खेल खत्म हो जाएगा। मगर सच सच है। बता कहाँ गई है मानूर? बोल, वरना तुझे भी तेरे पीर के पास पहुंचा दूंगा। वो लड़का और लड़की दोनों सैदपुर गए। सैदपुर किसके पास? वो एक औरत आई थी गाड़ी में, पीर साहब की पुरानी मिली, वो दोनों को साथ ले गई। अगर तेरी बात गलत निकली ना, तेरा भी यही हाल करूंगा, समझा? चलो। फिलहाल तो मेरी बहाली का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। इस वक्त कमीशन मेरे वाक़े को इन्वेस्टिगेट करने से ज़्यादा मेरे खिलाफ विटनेसेस और सबूत जमा करने में लगी हुई है। मुझे लगता है इस दफ़ा पक्की चार्जशीट आएगी मेरे अगेंस्ट। बेहतियाती की तुमने हुमायूं। जब तक बशीर का बयान रिकॉर्ड नहीं हो जाता तुम्हें उसकी रिकवरी शो ही नहीं करनी चाहिए थी। आखिर इमदाद को भी तो तुमने खुफिया मकाम पर छुपा रखा है। सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इमदाद को आजाद कर देना चाहिए, वरना उससे बड़ा केस बन सकता है। वो जो कुछ जानता था उसने बता दिया, मेरे पास सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन अदालत ऑडियो विजुअल सबूत मानती ही कब है? उसके बावजूद सर, जो कुछ उसने बताया है उसमें ज़ेबुन्निसा और वलीद खान के खिलाफ काफी मवाद जमा हो गया है, आगे यकीनन काम आएगा। अच्छा ये बताएं, वो सैदपुर का जो नंबर था उसके बारे में कुछ पता चला? I'm very sorry, मैं अपने कामों में इतना मसरूफ हो गया कि मैं भूल गया। मैं सोच रही थी कि अब यहाँ रहने का तो कोई फायदा नहीं है, सैदपुर जाकर मानूर को तलाश करना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले मेहराबपुर से रिपोर्ट तो आ जाए, ऐसा ना हो कि वो लोग मेहराबपुर से भी आगे निकल गए। ठीक कह रहे हैं सर,
मेरे ख्याल से आप कुछ दिनों के लिए इंतजार कर लीजिए। मेरी टीम्स वहां मानूर को और अदील को ढूंढ रही है। इस वक्त तो ज़ेबुन्निसा बेगम के लोग भी उन्हें ढूंढ रहे होंगे। यू आर राइट। और सबसे ज्यादा मूवमेंट इस वक्त आबिद खान की है। होनी भी चाहिए, सोने की चिड़िया जो उसके हाथ से निकल गई है। तलाश करता करता यहां तक आ गया, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम लोग यहां पे मौजूद हैं। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? अगर उसको पता होता तो इतनी आराम से नहीं बैठा होता, हंगामा कर चुका होता। लेकिन उसे पता चल के ये आंटी ने उसे बता दिया। फिर आंटी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन खतरा तो है यहाँ पर। तुम्हें हो ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। तुम्हें मेरी आंख से देखे तो सही, फिर देखो उसको क्या आशर करता हूं। तुम जाओ अंदर, मैं आबिद पर नजर रखता हूं। नहीं, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। मेरा नहीं ख्याल वो इतनी जल्दी जाएगा। तुम थक जाओगी, तुम जाओ अंदर। जाओ, मैं देखता हूं, मैं आता हूं। तुम जाओ। चलो बच्चों, चलाओ। माफी चाहते हैं हुजूर, मगर हमारे गरीब खाने में क्याम का बंदोबस्त नहीं है। मुसाफिर जरूर है मैडम, लेकिन अपना ठिकाना मौजूद है। मैं आपसे एक बात पूछने के लिए रुका था। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? महफिल शानदार थी आपकी। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी जगह पे इतने खूबसूरत लोग और ऐसी महफिलें सजाई जाती हैं। बंदा परवरी का शुक्रिया, मगर रात के इस पहर तवील बात नहीं हो सकेगी। आपको जो बात करनी है मुख्तसरन कह लें। मैंने आपको अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं आबिद खान हूँ, मुजफ्फरनगर के मुस्तकबिल का वारिस। सही नसीब, मुद्दतों बाद खान खानदान के किसी मर्द का सामना हुआ है। आप किसके बेटे हो? वलीद खान का। तो आप वलीद खान के फर्जंद हो जिसने फरजाना बेगम से शादी की थी। आप कैसे जानती हैं मेरी अम्मी को? हम खान खानदान के अक्सर मर्दों को जानते हैं। हम
हमारे फन के बहुत कदरदान थे वो। मैडम फिर तो आप जरूर मेरी मदद करेंगे। कैसी मदद? मैं मुजफ्फरनगर से भागे हुए दो मुजरिमों की तलाश में इधर आया हूं और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लड़का और लड़की इसी इलाके में कहीं रुके हैं। कोई जुर्म करके भागे हैं वो? जुर्म? वो हरामजादा खान खानदान की इज्जत मेरी मेरी कजन को भगा कर लेकर गया। क्या नाम है उनका? महानूर और अदील। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आपने बता दिया। हम अपने आदमियों से कहेंगे कि हर जगह हर महफिल पर नजर रखें। खान खानदान की इज्जत हमारी इज्जत है। मैं यहीं नवाब जावेद खान के गेस्ट हाउस में स्टे कर रहा हूं। आपको उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे जरूर बताएगा और अपने लोगों को बता दें कि जिस बंदे ने भी इतला दी इनके बारे में उसे 10 लाख रुपया नकद इनाम दिया जाएगा और आपकी मदद में बाद में कर दूंगा। परेशान मत होइएगा। शुक्रिया। चलता हूं। गया वो? हाँ चला गया, लेकिन वो आंटी से कुछ बात कर रहा था। क्या बात की है? यकीनन हमारे बारे में पूछ रहा होगा। हाँ लेकिन मैंने सुना नहीं, दूर था मैं। अदील अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, फौरन से चलो। लेकिन इस तरह कैसे जा सकते हैं, उनको इन्फॉर्म तो करना होगा ना। मैं तो बता दो इन्हें, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वापिस घर चले जाना चाहिए। अब तो मामा भी मिल गई है, अब हमें किस बात का डर है? हम मिलकर अम्मा जानी और आबिद खान का मुकाबला कर लेंगे। ठीक कह रही हो तुम। अम्मी, अब्बा, रिता सब अकेले हैं वहां पे। दिलावर भी लापता है, उनका साल में अकेला नहीं छोड़ सकता। हमें वापस चलना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो? आबिद खान हमें ढूंढता ढूंढता यहां तक आ गया। हो तो तुम लोगों को पता चल गया, हम वही बताने आ रहे थे। उसको कैसे पता चला कि हम यहां हैं? अगर उसे यह पता होता कि तुम लोग यहां हो तो अब तक खून खराबा हो चुका होता। उसने फूलों वाली दरगाह वाले हमारे बाबा जी, हमारे मुर्शिद को कत्ल कर दिया। क्या? उसने उन बुजुर्ग को मार दिया? हाँ, और उसे वहीं से पता चला है कि तुम दोनों इसी इलाके में हो। बाबा जी को क्यों मारा, वो तो इतने अच्छे थे। तुम दोनों को पनाह जो दी थी इसलिए। देखा आपने, ये वही शख्स है जिसके साथ अम्मा जानी मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती थी। बेरहम सफाक इंसान, वैसी है वो। आपसे क्या पूछ रहा था? तुम दोनों के बारे में पूछ रहा था हमसे और चाहता था कि सैदपुर में तुम्हें ढूंढने में हम उसकी मदद करें। अब शायद हमारा यहां पर रुकना मुनासिब नहीं है, मानूर भी यही चाहती है। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इस वक्त तुम दोनों का निकलना खतरे से खाली नहीं।
वो और उसके बंदे शहर से निकलने वाले रास्तों की चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए इस वक्त सोचे समझे बगैर निकलना दानिशमंदी नहीं है। लेकिन हमें वापस तो जाना है ना, चाहे इसमें कितना ही रिस्क हो। मैं बस एक बार मामा के पास पहुंच जाऊं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, लेकिन तुम दोनों के सफर का बंदोबस्त हम खुद करेंगे। कल रात किसी भी पहर तुम लोग मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो जाना। ओए चलो लेके चलो से। क्या बात है, क्यों घुसे हो मेरे घर में? ओ लेके चलो से, बताता हूँ मुझे घर में क्यों घुसे हो। चलो छोड़ दो, छोड़ो इन्हें, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरे बाबा को। इसी को तो पकड़ने के लिए आए बीबी, छोड़ कैसे दें? इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हवेली वालों ने हमारा घर जलाया और उल्टा तुम इन्हें पकड़ने आ गए हो। जब दम नहीं था तो शेर की कछार में हाथ क्यों डाला, कान साहब से क्यों पंगा लिया? चलो लेके चलो इसे। मैं नहीं जाने दूंगी, छोड़ मेरे बाबा को। छोड़ दो मुझे, पिछड़ जाओ, वरना सरकारी काम में मदाखलत में मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। पिछड़ जाओ। छोड़ दो बेटी, कोई फायदा नहीं है। ये आवाम के नहीं हवेली वालों के नौकर हैं, उनके टुकड़ों पे पलते हैं ये। ओए तो लेके जा इसको, लेके चल, ले चलो चलो, देखता हूं मैं क्या कर। मत लेके जाओ, छोड़ दो। एक बार फिर मुअत्तल हो गया एसपी, इस बार उसकी वापसी नामुमकिन है। वो अब तो सारे इख्तियारात इंस्पेक्टर कैसर अली खान के पास हैं। हाँ हाँ फिक्र ना करो, उसका एक दफा नाम बता दो, एक रात हवालात में गुजारेगा ना, सब कुछ याद आ जाएगा उसे। तो रुक, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में इस तरह दाखिल होने का? बगैर वारंट के किसी शरीफ आदमी के घर में कूदकर उसकी चादर और चार दीवारी का मजाक उड़ाना याद नहीं? कौन सा कानून इजाजत देता है ये? ओ बीबी मुझे कानून ना बताएं। सलामत अली एक नौजवान लड़की के अगवा में मुलव्वस है। कानूनी तौर पे मैं महनूर की माँ हूँ और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि महनूर अपनी मर्जी से अदील के साथ गई है। आप होंगी उसकी माँ, लेकिन इसके खिलाफ शिकायत वलीद खान और ज़ैबुन्निसा बेगम ने की है। मैंने कहा ना तुम्हें, मैं हूँ कानूनी वारिस उसकी। और तो ये बात जाके आप कोर्ट को बताएं। कोर्ट तो मैं चली जाऊंगी, फिलहाल तुम इस बिचारी के बेगुनाह बाप को रिहा कर दो, वरना मैं तुम पर गैर कानूनी हिरासत का मुकदमा करवा दूंगी। आपका जो दिल चाहता है वो करें, जब तक मानूर बीबी नहीं मिलती या इसका भाई सामने नहीं आता, तब तक मैं सलामत अली को कभी रिहा नहीं करूंगा। कम अज कम आप मुझे मेरे बाबा से मिलने तो दे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कुछ खाया भी या नहीं, उन्हें दवाई भी देनी थी। ओ बीबी मुलजम अभी जेरे तफ्तीश है, किसी को मिलने की याद नहीं उससे। इन बेहिस लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं रहता। एएसपी हुमायूं बहाल हो जाएं, फिर देखना इन जैसे लोग किस तरह से उनके पीछे दुम हिलाते फिरते। एएसपी साहब की वापसी छोड़ें, उनकी नौकरी बच जाए यही बहुत बड़ी बात है, वो अब वापस नहीं आने वाले। चलो रिता, अब हम कोर्ट ऑर्डर के साथ आएंगे। वेलकम। मिला के नहीं, इतनी देर से आपके सामने तो मिला रही, इतनी मुश्किल है यहां से कॉल मिलाना, लगता है कि लंदन कोई कॉल मिला रहा हूं। हेलो आबिद। हेलो, कैसे हैं बाबा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तूने क्या किया आबिद? क्यों क्या हुआ? क्या जरूरत थी उस बाबे को कत्ल करने की? जानता है फूल वाली आस्ताने के कितने बड़े बड़े मुरीद,
सब के सब मुश्तैल हो गए हैं उस बाबे के कत्ल पे। वो झूठा और फ्रॉडिया बाबा, उसने मानूर और अदील को मुझसे छुपाया और अभी भी झूठ बोल रहा था कि उसको नहीं पता कि वो लोग कहाँ पे हैं। तूने बहुत बड़ी गलती की है आबिद। उस आस्ताने के मुरीद इस्लामाबाद तक बैठे हैं। डीआईजी का 2 दफा फोन आ चुका है मुझे। 2-3 लोगों ने कत्ल करते तुझे देखा है। तो कर ले गिरफ्तार, लेकिन मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसका यही हश्र करूंगा। मुझे महनूर को हर कीमत में तलाश करना है। अगर कोई मुसीबत आती है तो आप क्या कर रहे हैं बाबा, संभालिए आप जाके। अबेट जानता था एक दिन तेरा ये मूजर बेटा मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करेगा। सर आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ESP हमायूं अब सीट पे नहीं रहा, सस्पेंड हो चुका है। सस्पेंड ही हुआ है ना, निकाला तो नहीं गया। अरे उसे तो मार देना चाहिए। सर घी जब सीधी उंगली से निकल जाए टेढ़ा करने की क्या जरूरत। ये फजूल बातें मत किया करो। मुझे बताओ कि कैसर से मुलाकात हुई, दिलावर के फोन का डाटा निकला कि नहीं। जी सर बात हुई है, आज डाटा मिल जाएगा। आज रात में नहीं, आज रात में तो मुझे तानिया बेगम के कोठे पे जाना है। सर लगता है जगह पसंद आ गई आपको। बैरापुर जैसे शहर में वक्त गुजारने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई भी नहीं हो सकती। कितना दर्द है आपकी आवाज में। जब जिंदगी दर्द बन जाए तो आवाज में सोज आ ही जाता है। वैसे इस गीत के लिए काफी मुश्किल है। मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन अबूर हासिल ना हुआ। तुम कुछ और दिन रुक जाती तो हम ये गीत तुम्हें पक्का करा देते, फिर जाकर तुम अपने दादू को सुनाती। उनको ये गीत बहुत पसंद था, वो अक्सर हमसे इसी गीत की फरमाइश किया करते थे। लेकिन अब तो हमें जाना। नानो बता रही थी कि आपने हमें याद किया। हाँ यही बताने के लिए बुलाया मैंने। हम दोनों की रवानगी का बंदोबस्त कर दिया है हमने। रात कदरे ताखीर से रवाना होंगे आप दोनों। आपके साथ ड्राइवर के अलावा 2 गार्ड भी होंगे जो आपकी हिफाजत करेंगे। सफर जरा लंबा होगा तुम दोनों का, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ड्राइवर तुम लोगों को महफूज रास्तों से लेकर जाएगा ताकि पुलिस तंग ना करे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फजर होने से पहले तुम लोग मुजफ्फरनगर पहुंच जाओगे। हम आपका ये एहसान। एहसान नहीं, बस अगर तुम्हारे दादू हमें सहारा ना देते तो शायद आज हम जिंदा ना होते। कैसी बात कर रही हैं आप, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हालात बेहतर होते ही हम आपसे दोबारा जरूर मिलने आएंगे और दादू को भी साथ लाएंगे, क्यों मानूर? जी, और फिर आप ये गीत दादू को खुद सुनाइएगा। देखना, दादू बहुत खुश होंगे। चलो, तुम लोग जाने की तैयारी करो। जी। Thank you.
आबिद बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। दिलावर की रिपोर्ट का पता चला? हाँ जी, बस अभी अभी मिली है। कोई काम किया? हाँ, इसके नंबर पे मेहरापुर से काफी दफा फोन आया। किसका नंबर है? ये नंबर किसी खातून तानिया बेगम के नाम पर है। अच्छी तरह देख, नाम सही पढ़ा है तूने? वहाँ सर, इतना तो पढ़ा लिखा हूँ, तानिया बेगम के नाम पर है। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट किसी को भी मत दिखाना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये रिपोर्ट मेरे पास सेफ है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मानूर और अदील का पता चल गया। क्या पता चल गया? लावा। अगर वो मानूर है तो छीन कर ला उनसे, चाहे इसके लिए तुम्हें जितनी लाशें गिरानी पड़े। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे, जीत करा दे क्या।